तो सबसे पहले राइट्रेचुलेशन लव जी एक्टिंग की दुनिया में मतलब गदर आ, से आप सारी दुनिया में आपको तो बहुत ही लव मिले मिले प्यार तो सबसे पहले गदर के बारे में बताइए मैंने कुछ थोड़ा बहुत अगर आपसे जाना चाहूंगा कि किस अंदाज में दिखाई देने वाले लव जी ये जो लव आपका है इस अंदाज में में दिखाई देंगे या डिफरेंट पहले तो आप पहले तो, तो मैं सबको नमस्ते कहना चाहूँगा आपके दर्शकों को और गदर uh, टू में आपने सही कहा मेरा एक स्पेशल अपेयरेंस है हो सकता है कुछ लोग देखने के बाद कहेंगे कि आपने मतलब यू you नो know, कि रोल की लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं थी आपने क्यों किया मैं इसके पीछे दो कारण हैं एक है कि गदर टू है और दूसरी बात यह है कि अनिल सर और एक और ऐड करना चाहूँगा सनी सर ये तीनों कारण के लिए मैंने गदर टू की है और uh, मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा अनिल सर के साथ काम करने में मुझे बहुत आनंद मिला और uh, मैं आशा करता हूँ कि आगे जाके भी उनके साथ काम कर पाऊँगा मैं उनके जो भी अगली फिल्में जो आएंगी एंड uh, वही है कि गदर जैसी फिल्म uh, बार बार बनती नहीं ये भी तो आ रही है बाईस साल बात ना और जैसे uh, आपने भी देखा होगा आपने भी मतलब एक होता है कि हम लोग कहते हैं ना इंडस्ट्री में कि मार्केट गर्म हो गया मार्केट इस फिल्म के लिए बहुत ही गर्म हो गया है कि काफ़ी लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सिंगल स्क्रीन्स को वापस जान मिलने वाली है जो पैंडमिक ने मतलब कह सकते हैं महामारी ने जो मतलब नुकसान किया है हमारे फिल्मी उद्योग को तो हो सकता है अभी के लिए ये थोड़ी जान वापस ले आएगी स्क्रीन्स में और उसी की ज़रूरत है हमें क्योंकि देखिए जब आप घर पे है आप ओ पे शो देखते हैं उसका स्वाद ही कुछ अलग है और थिएटर में फिल्म देखना उसका मतलब स्वाद ही कुछ अलग है और वही है कि मैं बहुत खुश हूँ और गदर टू में जैसे आपने पूछा मेरा कैरेक्टर है फरीद अभी फरीद जैसा मैंने उसको मतलब पेश किया फरीद एक ऐसा व्यक्ति है जो वो करना तो बहुत कुछ चाहता है पर उसके हाथ बंधे हुए हैं और उसके हाथ क्यों बंधे हुए कि ऐसे ही होता है कि हालात ही ऐसे होते हैं काफ़ी बार कि आप चाहे तो किसी को तोड़ना चाहते आप चाहते कि किसी को तोड़े या मतलब कि जवाब दे पर आप जवाब नहीं दे सकते क्योंकि आपको अपने परिवार की परिवार के बारे में सोचना है कि उनकी जान के साथ आपको नहीं खेलना है तो वही है कि फरीद का कैरेक्टर वैसा है एंड आपको पता चला कि फरीद की कहानी कैसे जाती है क्या होता है उसके अंत में तो वो आपको पता चलेगा जब फिल्म देखेंगे तब लखनऊ में पहले तो हम लोगों ने लखनऊ में शूटिंग की थी फिर मुंबई में भी कुछ दिन शूटिंग की और लास्ट में अहमदनगर भी गए थे अहमदनगर जिसका नाम अभी बदल चुका है हाँ वहाँ पर भी गए थे हम लोग तो मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा अनिल सर जैसे के का है बहुत अच्छे हैं और मतलब सबको सेट पे इतना अच्छा लगता था मतलब कि सिर्फ सिर्फ एक चीज़ थी जो मैं हंस के ही कहूँगा कि अनिल सर हम लोग कहते थे कि कॉल टाइम सुबह का है हम लोग पहुंच जाते हैं फिर क्या आता है कभी कभी मतलब कि थोड़ा डिले हो जाता है फिर मैं एक बार वो स्केड्यूल जब मैं समझ गया तो मैं भी एक घंटा छोड़ के जाने लगा तो मतलब वैसे ही था पर बहुत अच्छा लगा एंड एकदम फैमिली जैसी फीलिंग आई मुझे एंड उत्कर्ष बहुत सिंसियर है बहुत अच्छा है मेहनती है सिमरत जो मतलब जिनको लॉन्च किया जा रहा है पिक्चर में वो भी बहुत अच्छी है पर मेरे लिए तो मतलब कि कह सकते कि सबसे कहूँगा मतलब कि मेमोरेबल तो वही था कि मतलब कि सनी सर के साथ काम किया मैंने क्योंकि मेरी एक लिस्ट है कि मैं चाहता हूँ कि जो भी लैजेंड है उनके साथ काम करूँ मैं और मैं ये नहीं सोचता हूं कि मतलब कि सिर्फ़ देखिए एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा गदर में जो रोल किया मैंने वो सिर्फ मैंने इसलिए भी किया क्योंकि जैसे मैंने कहा अनिल सर और सनी सर मैं तो चाहूँगा कि आगे जाके मैं दूसरे एक्टर्स के साथ काम करूँ इन बिगर रोल्स इन बेटर रोल्स एंड वही है कि यू you नो know, कि जो भी है जैसे अमित जी है Uh, अमित अमित जी है गोविंदा भैया है अगर उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा मैं बहुत खुश रहूँगा मतलब मैं बहुत खुश हो जाऊँगा उससे एंड एक और चीज़ है कि uh, मैं ये नहीं सोचता हूँ कि सिर्फ कि uh, जैसे देखिए हर कोई जो इंडस्ट्री में आता है वो सोचता है कि आई शुड बी द हीरो पर आपको हीरो बनना है ठीक है कोई कोई को बन भी जाता है पर एक दूसरा रास्ता भी होता है कि आप स्ट्रॉग पैरल लीड प्ले कीजिए आप नेगेटिव प्ले कीजिए अपना काम दिखाइए काम से फिर आपकी एक पोजीशन बनती है उस पोजीशन से फिर आपको और बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो मैं सोचता हूँ ये रास्ता भी सही है ये सिर्फ नहीं सोचना चाहिए कि मैं सिन्हा साहब का बेटा तो मतलब मेरा हक है हक़ तो इंडस्ट्री में किसी का नहीं है किसी का नहीं कुछ लोग उनको गलत फहमी है कि उनको लगता है कि उनका है पर तो किसी का हक़ नहीं है आपको आना और आपको जगह बनानी है टैलेंट के साथ है मौके मैं तो कहता हूँ खुद अपने बारे में मुझे आज तक सही मौका मिला नहीं है जो मतलब एक मैं उसकी खोज में अभी भी हूँ जी तो किस तरह के किरदार की खोज में है कि लव जी को इस तरह के किरदार अगर मिले तो उसे पर्दे पर सिनेमा पर जीना चाहिए hmm. विश्वनाथ मेरे पिताजी का जो रोल उन्होंने जो किया विश्वनाथ अजय देवगन जी का रोल वन समय टाइम इन मुंबई न्यूयॉर्क फिल्म में जो भी रोल हो चाहे चाहे वो मिस्टर जॉन इब्राहम का हो या नील का हो फिर अभी हाल ही में जो आई थी पठान मतलब पठान में मुझे जिम का रोल भी पसंद आया और पठान का रोल भी पसंद आया तो उनमें से जो भी मतलब होता कि मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मतलब कि सिर्फ अरे वो उसका रोल मेरे से कितना और अच्छा है अरे आप अपना अपना काम अच्छी तरह कीजिए आपका रोल खुद अच्छा हो जाएगा मेरे पिताजी ने वैसे ही शुरुआत की थी ना कि वो कैसे स्टैंड आउट हुए उनको तो मतलब कह सकते कि छोटे से छोटे रोल मिलते थे पहले और उसके बावजूद उन्होंने अपने आप को साबित किया तो so, वही मैं कहता हूँ कि आप अगर काम अच्छा करेंगे और अगर आपको सही मौका मिलेगा तो आपको कोई रोक नहीं सकता तो वो मौके की जरूरत है हर एक्टर को वो एक मौके की जरूरत है yes. कुछ अगर सके। नहीं देखिए सोनाक्षी से मैं टिप्स नहीं लेता हूँ उसके कुछ कारण है कि पहले तो मैं देखिए सफलता सफलता अलग चीज़ है और अगर मुझे टिप्स चाहिए तो मैं पापा से लूँगा क्योंकि उनके साथ सफलता के साथ साथ मुझे लगता है कि सोनाक्षी घर की लाडली है उनको जो सक्सेस मिला ओवरनाइट सक्सेस मिला मैं पापा के सफ़र से और रिलेट कर पाता हूँ कि उनको ओवरनाइट कुछ नहीं मिला मुझे भी ओवरनाइट कुछ नहीं मिला है तो मैं उनसे बहुत रिलेट कर पाता हूँ और उन्होंने जो संघर्ष देखा अगर मैं अपनी तुलना तो कभी करूँगा भी नहीं पहले और मैं कहता हूँ कि जो भी मतलब कि मुझे काफ़ी बार गुस्सा भी आता है जब मैं सुनता हूँ ना कि कोई एक्टर कहता है कि मेरा संघर्ष था तुम्हारा संघर्ष क्या था कि तुम्हें ए की गाड़ी में गए थे स्टूडियो ये तुम्हारा संघर्ष है मतलब वॉट यू यू सेंग लाइक यू नो सोच के बात कीजिए कि क्योंकि सच में जिसका संघर्ष है ना जो सोच रहा है कि मेरे घर का किराया कहाँ से आएगा मेरे खाने के पैसे कहाँ से आएंगे उन, उन उनके पेट पे लात मत मारिए तो मैं ये शब्द संघर्ष में कभी अपने आप के लिए इस्तेमाल करता था मैं बोलता हूँ कि एक सफ़र है कभी कभी कठिन है और कभी कभी आसान भी होता है तो वही मैं पापा की जर्नी से बहुत इंस्पायर्ड हूँ बहुत प्रभावित हूँ उनसे और मतलब वही मेरे गुरु है उनसे मैं ही सलाह लेता हूँ हर चीज़ के बारे में तो जी आप स्लोली स्लोली जाना चाहते हैं स्लोली स्लोली तो कोई नहीं चाहता पर वही होता है कि जीवन आपके हाथ हर चीज़ आपके हाथ में नहीं है ना जीवन के दौरान जो भी होता है हर कोई तो चाहेगा कि मतलब ये टॉप में जाए वो नहीं जलन क्यों होगी मतलब जलन पहली बात है कि वो फीमेल एक्टर है मुझे जलन क्यों होगी उससे और अगर अगर मतलब मेरे भाई भी होते और मेरे भाई भी बहुत आज बहुत यू नो अगर मेरे भाई मिस्टर ऋतिक रोशन जी होते मुझे बुरा क्यों लगता कि एक ही तो फैमिली है मतलब कि वो हाँ वो अलग बात है कि मतलब कि मैंने सोनाक्षी को आज तक मतलब कहा नहीं है कि मतलब मेरे लिए सिफ़ारिश करे कहीं पे और ना ही मतलब उन्होंने कहीं पे मतलब सिफारिश की होगी मेरे लिए वो अलग बात है वो हमारी फैमिली अलग तरीके से चलती है यू नो सामने हर किसी को लगता है कि अरे इन लोगों के लिए तो मतलब एक चुटकी की बात है कि मतलब कॉल लगा दिया और काम मिल गया ऐसे होता नहीं है आई थिंक कुछ लोगों के लिए होता होगा हमारे लिए तो नहीं होता हम लोग चाहेंगे भी नहीं कि ऐसे हो जाए जी गदर की मैं बात सी <laughs> तो तो मैंने कहाँ पे देखी थी पहले बताता हूँ विले पार्ले में मुक्ता ए टू सिनेमा के सामने एक दूसरा सिंगल स्क्रीन थिएटर होता था हाँ। अब उसे तोड़ दिया, तोड़ दिया। मैं वहाँ पे गया था गदर देखने और जो ऑडियंस का रिएक्शन था मुझे लगता है कि आज भी याद है मुझे कि और क्योंकि क्या होता है जब आप यंगर होते हैं आपको चीज़ें और इम्पैक्ट करती है एज के साथ साथ हो सकता है आपका रिएक्शन थोड़ा बदल जाता है वो पर उस वक्त जो मुझे याद है कि जैसे जो हैंडपम्प जो उन्होंने उखाड़ा था तो मतलब आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था कि क्या हो रहा है थिएटर में साउंड क्या है कुछ नहीं कुछ नहीं और जैसे वो लाइन भी जब हिंदुस्तान जिंदाबाद था ज़िंदाबाद है जिंदाबाद रहेगा मैं थोड़ा डिविएट करना चाहूँगा मैं कहूँगा कि जैसे यू नो कुछ लोग होते हैं कि अरे Uh, क्या ये डायलॉग की क्या ज़रूरत है ऐसे वैसे मैं सोच रहा हूँ कि तो मतलब कि आप क्या चाहते हो कि एक फिल्म बन रही है वो एक, एक अलग पीरियड की फिल्म बन रही है पहले तो फोर्टीज़ फोर्टी सेवन के बाद जो होता है उसकी फिल्म उस समय की फिल्म थी तो आप क्यों उस समय की फिल्म को आज के टाइम से रिलेट कर रहे हैं पहले तो वो अपने मन से निकाल दीजिए और समझ लीजिए कि ये फिल्म आ, हमें काफ़ी बार मोटिवेट भी करती है इंस्पायर भी करती है क्योंकि हम कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मतलब कि हो सकता है देश के लिए इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं। मैं तो कहूँगा हमेशा कि देश से बड़ा और कोई देश से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है आप भारत में रहते हैं तो हमेशा याद रखें कि भारत आपकी माँ है That's what I will say. So I think उस उस हिसाब से गदर ने बहुत लोगों को मतलब ये मैसेज फिर से पहुँचाया था और बहुत अच्छे तरीके से पहुँचाया था जी चलिए मैंने एक शो किया है और धीरे धीरे बात बाहर आ रही है कि मैंने एक शो किया है मेरे ज़िंदगी का एक सपना है सपना था अब तो पूरा हो गया सपना है कि अपने पिताजी के साथ मुझे काम करना था और ये शो गैंगस्टर में मैंने अपने पिताजी के साथ काम कर लिया सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी वो पल तो मैं कभी भूल ही नहीं पाऊँगा और मेरे पिताजी का रिएक्शन भी मतलब कि काम के बाद वो काफ़ी खुश थे तो यही है मतलब मैं तो इसी चीज़ से मतलब मैं अगर जी रहा हूँ तो मतलब इसलिए जी रहा हूँ कि मुझे इंडस्ट्री से बेहद प्यार है मतलब मैं चाहूँगा कि ऑब्वियसली कि पिताजी मतलब पिता का मतलब पिताजी का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए वो मिलता है मुझे मैं खुश हो जाता हूँ उससे जी थैंक तो यूर टू आ रही है, and, uh, कुछ भी? मैं तो यही कहूँगा कि आप सब मैं जानता हूँ कि आप कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं गदर टू के लिए और प्लीज़ uh, जाइए फिल्म को एक और भी बड़ी हिट बनाइए पार्ट वन से बहुत बहुत बड़ी हिट बनाइए और ये आप ही की फिल्म है आप ही ने गदर को गदर बनाया था और आप ही गदर टू को गदर बना सकते उसकी उसकी गदर बना सकते थैंक यू धन्यवाद